पानसेमल नगर परिषद वार्ड क्रमांक 15 को मिली बड़ी सौगात, जिसमें निर्माण कार्य को लेकर 6,23,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। रिटेनिंग वॉल बनाने को लेकर कई दिनों से प्रयास चल रहा था, नगर परिषद का प्रयास आज पूरा हुआ है, जिसमें नगर परिषद के कर्मचारी एवं नगर परिषद के पार्षदगण, अध्यक्ष प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष एवं पार्षदगण उपस्थित रहे, जिसमें आतिशबाजी कर मिठाई बांट कर खुशी मनाई गई। पानसेमल से शरद चित्ते की रिपोर्ट। किस चीज को लेकर पटाखे फोड़े गए? नगर पानसेमल में वर्षों से मांग चली आ रही थी गोमय नदी पर रिटर्निंग वॉल, क्योंकि जो ऊपरी पे पहाड़ी के जो टेकड़ा बना हुआ है उसके ऊपर जो मकान बने हुए हैं, बारिश के पानी के कारण वो कटते जा रहा था टेकड़ा, और उसके कारण मकान असुरक्षित हो रहे थे। उसको ध्यान में रखकर 2020 से नगर परिषद द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज भाई साहब से मांग की गई थी कि गोमय नदी पर रिटर्निंग वॉल बनाई जाए। प्राकृतिक वातावरण को हमने देखा है, कई दुर्घटनाएं हमारे यहाँ हुई हैं, कई लोगों की जान चली गई है, उस सब बातों को ध्यान में रखकर पूरी नगर परिषद के समस्त जनप्रतिनिधिगण एकजुटता के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने गए थे कि प्राकृतिक आपदा या बोले आपदा प्रबंधन में ये राशि स्वीकृति की जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने, लोकसभा के सांसद गजेंद्र जी पटेल, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी सोलंकी, मध्य प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर प्रेम सिंह जी पटेल, पूर्व विधायक दीवान सिंह जी पटेल, इन सबके सहयोग और आशीर्वाद से आज रिटर्निंग वॉल स्वीकृत हुई है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति 6,23,00,000 रुपये की हमको प्राप्त हुई है। नगर वासियों में हर्ष का। सर, बड़ी सौगात मिली आज नगर के लिए? निश्चित तौर पे बड़ी सौगात है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में नगर परिषद को कहीं भी नहीं हुआ है, बहुत तो बधाई के पात्र है हमारे सभी नगर परिषद के सम्माननीय सभी सदस्यगण और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जिले के कलेक्टर साहब और सब सारे अधिकारियों के अथक प्रयास से ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है। और बहुत बड़ी समस्या थी शहर की, वो हमारे कई दिनों से प्रयास चल रहे थे। इसके अलावा भी एक हम लोग उसी नदी पे बैराज सेंक्शन के लिए दिए हुए हैं और वो बैराज भी हमारा सेंक्शन की स्थिति में है, और उसी किराड़ से लगा हुआ जो है एक रिटर्निंग वॉल और है हमारा, जो SDRF योजना अंतर्गत से सेकंड फेज के लिए हमने भेजा हुआ है, वो भी सेंक्शन हो जाएगा। तो हमारा जो ट्रॉफिक है शहर का, वो सारा ट्रॉफिक हम लोग चौपाटी वहाँ बना देंगे, तो सब टोटल जितने भी छोटे छोटे बिजनेस वाले जो लोग हैं उनको हम शिफ्ट कर देंगे। सर, कितने की सौगात मिली? ये 6,23,00,000 की। और संभावना है सर आगे आने की? हाँ, और संभावना है, एक थर्ड फेज हमारा और बचा हुआ है जिसमें वो मिलेगा, और निरंतर हम लोगों के प्रयास है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।